हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए बहुत ही टेस्टी मिठाई, और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मिठाई 3 से 4 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये मिक्सर जार, और इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी, 8 से 10 काजू डाल देंगे और थोड़ी सी इलायची पाउडर। अब इसका ढक्कन लगाकर एकदम फाइन पीस लेंगे, यानी पाउडर बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह दरदरा बिल्कुल नहीं रखना है, वरना आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा, यानी नारियल का पाउडर 1 कप, 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पर दूध हमें बिल्कुल ध्यान से डालना है, 2-2 चम्मच करके डालना है, ज़्यादा दूध नहीं लगता है इसमें। अब इसे इस तरह चेक करेंगे, जब ये मुट्ठी में बंध जाए तो दूध डालना बंद कर देंगे। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, और अब घी को भी अच्छे से मिलाएंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो अब ये तैयार है, अब इसका मिठाई बनाएंगे। तो ये बहुत आसानी से लड्डू की तरह बन जाता है, ये देखिए। अब इसे नारियल के बुरादे में कोट कर लेंगे इस तरह। इसी तरह सारे मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, और 20 मिनट बाद इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। तो अभी त्यौहार शुरू हो रहे हैं, तो आप इसे सावन के महीने में बना सकते हैं, और अगर आप व्रत की मिठाई बना रहे हैं तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है और जल्दी भी बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।